हेलो दोस्तों, हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो चलिए ट्रायंगल एबीसी में नंबर एक बना रहा हूँ दोस्तों। ट्रायंगल एबीसी में बी समकोण है, इसका मतलब बी यहाँ मानेंगे तो ए यहाँ भी मान सकते, यहाँ भी मान सकते, एबीसी यहाँ मान लिए। उसके बाद ए बी ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद बी सी ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को ए सी निकालना है दोस्तों। ये देखिए हाइपोटेनियस है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस है ना बी सी स्क्वायर, इसलिए हो जाएगा ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 625। और तो इसका मतलब ए सी स्क्वायर बराबर 625। ये आप नीचे लिखते जाएगा दोस्तों, हम यहाँ क्योंकि छट जाएगा वीडियो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ए सी बराबर 25, हम लोग ये निकाल लिए 25, ये निकाल के लाए दोस्तों। अब हम लोग को निकालना क्या है, नंबर एक, मतलब पहला का ही ये बता रहा हूँ, नंबर फर्स्ट रोमन है। साइन ए निकालना है, साइन ए हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो साइन ए बराबर पी बाय एच। साइन ए इसके लिए जो है ना दोस्तों पी ए है, इसके लिए पी ए है, और ये तो हमेशा ये होगा कि 90 डिग्री के सामने वाले एच होता है। तो इसके लिए पी 7 और एच क्या है 25। दूसरा बोला है कोस ए, कोस ए बराबर होता है बी बाय एच। तो ए के लिए बी 24, एच है 25। समझ में आ रहा हो दोस्तों। नेक्स्ट है फिर दूसरा उसी का साइन सी। तो साइन सी इसके लिए साइन क्या होगा, साइन पहले पी बाई एच, इसके लिए पी हो जाएगा 24 और एच है 25। उसके बाद फिर है कोस सी, तो कोस सी बराबर था बी बाई एच, तो इसके लिए बी 7 और एच हो जाएगा कितना 25। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट। दूसरा नंबर बना रहे दोस्तों, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो दोस्तों आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, क्योंकि हम एक ही बार बता रहे हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। नंबर टू बना रहे हैं, आकृति 8.13 ये आकृति दिया हुआ है। मैं 10p माइनस कोट पी कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये आकृति पहले हम लोग यहाँ पर कॉपी राइट कर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर और इधर हो जाएगा कितना 13 सेंटीमीटर। दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग का एच है। क्यों एच है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, है ना। तो इसका मतलब हम लोग का ई निकालने के लिए, जैसे यहाँ होता है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय जो होता है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हम लोग को निकालना क्या है क्यू आर स्क्वायर। ये तो क्यू आर स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर 13 एक 6 9 माइनस पी क्यू 12 144। तो हम लोग का आ जाएगा कितना 25, है ना। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है दोस्तों, इसलिए क्यू आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ भर देते हैं 5। निकालना क्या दोस्तों, टू नंबर का 10p माइनस कोट आर 10p बराबर, इसका पहले 10 पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। 10 क्या होता है, तो पी बाय एच सॉरी पी बाय बी, और कोट होता है आर बी बाय पी। तो पहले पी बाय बी माइनस कोट पी बाय बी निकाल लेते हैं 10p यहाँ से। तो इसके लिए पी ए है 5 और बाय 12 और कोट आर, इसके लिए बी क्या होगा फिर 5 और पी बाय बी। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, ये सेम टू सेम है 12 एलसीएम होगा 5 माइनस 5 0 बाय समथिंग इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट बनाते हैं 3 नंबर, उसके बाद है
यदि साइन ए दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कोस ए टेन ए निकालना है। हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर, तो पी बराबर कितना है दोस्तों, तो साइन बराबर पी बाय एच, पी इक्वल टू हो जाएगा 3, एच इक्वल टू 4, और हम लोग को निकालना है पी बाय बी, तो एच बी निकालना है, तो बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर की जगह 4^2 = 16 माइनस 9 बराबर बी बराबर √7, क्योंकि यहाँ रूट चलाएंगे 9 × 7 = 16। नेक्स्ट है, इससे नीचे नीचे लिखते जाना दोस्तों, हमारा बेच छट जाएगा ना, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो हम लोग तो यहाँ निकालना हम लोग का कोस ए, कोस ए तो कोस ए बराबर, कोस बराबर होता है बी बाय एच, तो बी बी कितना है दोस्तों, बी हम लोग निकाले हैं ए बी, तो √7, एच कितना है दोस्तों 4, तो √7/4। नेक्स्ट है सेक, सॉरी तीन नंबर बना रहे दोस्तों, ये कोस तो निकाल दिया, उसके बाद है टेन ए, टेन बराबर पी बाय बी, तो पी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पी 3 दिया हुआ है और बी हम लोग क्या है निकाले थे, तो √3/√7, 3 बना दिया दोस्तों। अब हम लोग 4 बनाएंगे दोस्तों। मैं क्लास 1 से 10 तक इंग्लिश मीडियम का सारा मैथ को अपलोड किया हूँ, और क्लास 1 से 10 क्लास NCERT हिंदी मीडियम का सारा वीडियो को अपलोड किया हूँ दोस्तों। अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। 4 नंबर दिया हुआ है 15 cot A = 8, तो हम लोग यहाँ ऐसा हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15। हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, तो B/P, तो यहाँ से पता चल गया B = 8, P = 15, तो P निकल गया, तो H² = हो जाएगा कितना दोस्तों, P² + B² मतलब 8 × 64 प्लस 15 × 15 = 225 है ना, तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों H² बराबर जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 289 बराबर 17 × 17 = 289 होता, 16 × 16 = 289, हाँ तो 17 हो गया, H = 17 निकाल ले। हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग का साइन ए और सेक ए निकालना, तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं साइन ए बराबर P/H, तो P कितना है दोस्तों, P यहाँ 15 है और H हम लोग निकाल रहे हैं 17, पहला बन गया। दूसरा बनाना सेक ए, आप फ्रेश करके लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा पेज छट जाएगा ना, इसलिए मैं ऐसा यहाँ थोड़ा सा बना रहा हूँ, आप देखते जाएगा रेगुलर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सेक ए बराबर होता है H/B, तो H हम लोग निकाल रहे हैं 17 और B कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 8, तो 17/8। नेक्स्ट बना रहे हैं, कितना नंबर बना दिए, 4, 5 बना रहा हूँ। सेक ए बराबर sec θ = 13/12, तो हम लोग सेक जानते हैं H/ होता है H/B, तो H = 13, B = 12, और P निकालना हम लोग को जानते हैं P² = होता है H² - B², तो P² = हो जाएगा H² 13 × 1 = 9 माइनस 12 × 12 = 144 है ना, तो 13 × 1 = 9 = 144, इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग कितना, तो 5 × 9 = 9 आ जाएगा 9, तो P = कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और इसमें भी तीनों पता कर लिए, निकालना क्या है वो देख लेते हैं। 5 नंबर में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है ना, टोटल को निकालना है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं sin θ = P/H, P³H दिया हुआ 13, cos θ = होता है B/H, B यहाँ 12 और 13 दोस्तों, ये तो क्वेश्चन दिया, हाँ ठीक है क्वेश्चन जो दिया उसको सेक खाली नहीं निकालेंगे, उसके बाद है 10θ = होता है P/B, P निकाले हैं 3, B है 12, उसके बाद है cot θ = होता है B/P, तो B कितना दोस्तों, यहाँ 12 और P 3, उसके बाद है cosec
कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी, एच कितना है दोस्तों 13 और पी 3, समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है सिक्स नंबर, सिक्स नंबर ये पेज बने बनेगा दोस्तों, बड़ा पेज ले लेते हैं। सिक्स नंबर सवाल बोलता है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है जहाँ कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए कि ए इक्वल टू बी है। तो हम लोग जानते हैं, चलिए तो एंगल ए एंगल बी, तो पहले हम लोग कोई त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये थ्योरम है ना, तो आप चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ ए मान लेता हूँ, पी क्यू एक और ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ बी एम एन। आप सोचिए यहाँ ए यहाँ बी क्यू नहीं, तो एंगल ए और एंगल बी इसका और इसका बराबर है, तो यहाँ और यही मानना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। चलिए ये दो ट्रायंगल है दोस्तों, आप 9 क्लास अगर पढ़े होंगे बढ़िया से, तो दोनों अगर ट्रायंगल को किसी तरह से समरूप दिखा दिए, समरूप ये होता है, तो ये समरूप दिखा दिए, तो एंगल ये अगर ये बराबर है तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा है ना, और ये तो बराबर होगा ही क्योंकि ये 90 डिग्री हम लोग बनाए हैं, तो ये अगर ये बराबर दिखाए तो ये बराबर ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, तो हम लोग यहाँ लगाना है क्या दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है क्या दिया है, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये दिया हुआ है समीकरण, इसको मान लेता हूँ 1। अब समकोण त्रिभुज पहला वाला में लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस ए इक्वल टू कोस ए निकालेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाय एच, तो इसके लिए बी ए पी बाय ए क्यू, समझ में आया। उसके बाद इस इधर निकाल लेते हैं किसका, कोस बी इक्वल टू इसके लिए बी, तो इसके लिए क्या होगा बी बाय एच, तो बी एम बाय बी एन, ये समझ में आया। अब फ्रॉम 1, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 भरने पर, इसमें अगर भरेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ देखिए इतना बराबर इतना है, ये बराबर ये, तो इसका मतलब ये बराबर ए पी बाय ए क्यू इक्वल टू बी एम बाय बी एन। दोस्तों यहाँ ए बी तो यहाँ मानेंगे, ये सब कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ये सब में कुछ भी ले सकते हो, ये लेकिन ए और बी मानना पड़ेगा है ना, ये बराबर ये। हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों, ई बटर ई जाएगा इधर, तो ए पी बाय बी एम इक्वल टू ये ऊपर जाएगा ए क्यू बाय बी एन, ऐसा आप सोचे क्यों हुआ, ये इधर भागा में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में गया, उधर भाग मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आया, इसको हम लोग इक्वल टू मान लेते किए। अच्छा ऐसा क्यों माने, क्योंकि सिंगल में ला रहे हैं, सिंगल वेरिएबल में ला रहे हैं हम लोग, इसलिए मान लिए कि ये समीकरण इसको 2 भी मान लेता हूँ है ना। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ इसीलिए दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और एक बार ये इक्वल टू ये करेंगे, एक बार इसको बराबर करते हैं ए पी इक्वल टू के, और क्या हो जाएगा बी एम, क्योंकि ये उधर जाएगा तो बी एम, एक ठो ये हो गया, और एक ठो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा के इंटू बी एन, ऐसा हो सकता है। एक बार है ना इसको इक्वल टू करेंगे तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और एक बार इसको इक्वल टू करेंगे तो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसा हो गया। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टफ लगा होगा ये क्योंकि ये थ्योरेटिकल है सवाल, तो समकोण त्रिभुज ए पी क्यू में, अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ है कौन कौन चीज, ए पी भी है, ए पी है और ए क्यू भी है, ए क्यू भी है, क्या नहीं है
ए पी है और पी क्यू नहीं है, है ना। तो पी क्यू इक्वल टू हम लोग निकालना है, क्योंकि यहाँ देखिए ए पी है, ए पी है और ए क्यू भी है ना, लेकिन पी क्यू नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पी क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, ए क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू निकालना है, तो ए क्यू स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर या ए पी स्क्वायर, चलो ए पी स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ इस पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर यहाँ सॉरी नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ यहाँ निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ यहाँ ये देख लीजिए, ए पी है, ए क्यू है, ए पी भी है और ए क्यूब है, पी बी ने पी क्यू नहीं है ना, तो पी क्यू निकाल रहे हैं, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, तो पी क्यू निकाल रहे हैं, तो ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर ऐसा कर किए हैं, है ना। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से देखिए पी क्यू स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, तो के स्क्वायर और बी एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए पी स्क्वायर, ए पी देखिए यहाँ दिया हुआ है, के स्क्वायर और बी एम स्क्वायर। तो इधर अगर रूट हटाएंगे पी क्यू बराबर, इधर रूट चलेगा तो के अगर बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। आप सोचे के कैसे बाहर आ गया, के स्क्वायर के कॉमन लेंगे और के का वर्गमूल तो हो जाएगा 1 के, ऐसा किया इधर इस त्रिभुज में, है ना, समझ में आया होगा दोस्तों। उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे, ये वाला में है ना, बी वाला में, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को, बी एम दिया हुआ है, बी एम और बी एन दिया हुआ है, बी एम और बी एन दिया हुआ है, और निकालना क्या हम लोग को एम एन निकालना, तो एम एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या बी एन स्क्वायर माइनस एम एन निकाल लेते बी एम स्क्वायर ऐसा होगा। अब यहीं से फिर देखिए यहाँ से अगर भरेंगे हम लोग, तो यहाँ से अगर भरेंगे हम लोग एम एन स्क्वायर निकालना है, तो एम एन कहाँ पे है, तो एम एन यहाँ पे है दोस्तों, तो एम एन बराबर अगर किए माने हैं हम लोग किसको एम एन, या यहाँ से देखिए एम एन बराबर किए माने हैं, तो इतना मतलब क्या हो जाएगा इसमें, अगर दोस्तों यहाँ अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हटाएंगे तो पी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर ऐसा होगा। अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं, तो पी क्यू बाय एम एन इक्वल टू के रूट अंडर बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, और यहाँ भी रूट अंडर क्या है बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। दोस्तों ये देखिए कट गया, इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या निकल गया पी क्यू बाय एम एन बराबर के, और यहाँ देखिए पहले से हम लोग ऑलरेडी माने थे इतना बराबर के, तो के बराबर भी ये निकाल दिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसीलिए यहाँ से देखिए नहीं दिख रहा होगा बहुत लंबा हो गया, यहाँ वाला ये वाला पता लिख रहा हूँ ए पी बाय बाय बी एम इक्वल टू ए क्यू बाय बी एन, ये दोस्तों ये यहाँ का लिख रहा हूँ, और इक्वल टू के था के बराबर हम लोग क्या निकाल दिए पी क्यू बाय एम एन। दोस्तों ये देखिए ये सारा हम लोग बराबर दिखा दिए, ये बराबर ये बराबर ये, इसका मतलब ये ट्रेंगल क्या है ए पी क्यू समरूप ट्रेंगल क्या बी एम एन, दोनों समरूप है, इसलिए जब ये बराबर ये है ये तो 90 डिग्री है ना, तो और ये बराबर ये दिखा दिए तो इसका मतलब ये बराबर ये श्योर होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं निकलना क्या है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी पी आर ओ वी डी। दोस्तों प्रूफ करना था प्रूफ किए, नेक्स्ट चलते हैं, अब बनाने वाला सब आएगा 7 नंबर। यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8 दोस्तों ये तो 2-3 मेथड से बनाया जाता है, लेकिन हम जो सबसे इजी मेथड है उसी से बनाओगे दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा और
यहाँ पे क्या है, वन माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या था, वन प्लस कोस थीटा और वन माइनस कोस थीटा, ऐसा था दोस्तों। ये सटा हुआ था, हम थोड़ा दूर दूर कर लिखे हैं ताकि हम आपको समझा रहे हैं, ये सबसे इजी मेथड जो बता रहा हूँ। लेकिन बुक वाला आप ऐसे भी भर सकते थे, यहाँ ये पी, ये क्या निकालते, बी निकालते, पी निकाल के उसके बाद इसमें भरते तो बहुत लंबा जाएगा ये, लेकिन जो भी बता रहा हूँ ये बहुत छोटा है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साइन से भाग दे देते हैं, यहाँ भी साइन से भाग, तो यहाँ भी साइन से भाग देना पड़ेगा, तो साइन से साइन क्या होगा, कट जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा क्या, वन प्लस वन बाय साइन, दोस्तों साइन स्क्वायर से भाग दे देते हैं दोनों में, और यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू शुरू में भाग नहीं देते, पहले ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ भी वो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये आपको शायद, तो हम लोग जानते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और बटन में वन माइनस कोस स्क्वायर बराबर है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं दिया हुआ कोट का मान, तो सेवन बाय एट का पावर टू है, तो पावर टू, तो सेवन सेवन जा 49 बटे आठ आठ 64 हो गया आंसर। उसके बाद यहाँ भी कोट स्क्वायर ही निकालना है दोस्तों, देखिए यहाँ ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ भी कोट ला दिए, यहाँ भी कोट हैं, इसका मान भी दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन यही होगा आंसर। ये बहुत ईजी मेथड से बना दिए, नहीं तो उसमें भरेंगे ना आपको एक पेज जाएगा अभी, तो शायद आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसमें नहीं लगा पा रहा होगा, या अगला वाला चैप्टर में फार्मूला सीखेंगे तो ये लगा लेंगे फिर। नेक्स्ट चलते हैं, एट नंबर बना रहा हूँ, यहाँ है थ्री कोट ए, थ्री कोट ए इक्वल टू फोर, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों कोट ए इक्वल टू फोर बाय थ्री, है ना। अब हम लोग को निकालना है क्या, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बट वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए बट वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ हम लोग दोस्तों कोट को टेन में बदलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाय फोर, क्योंकि कोट थीटा वन बाय टेन थीटा होता है, तो यहाँ देखिए भर दीजिए इक्वल टू वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन बाय सोलह, और यहाँ भी वन प्लस नाइन बाय सोलह, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सिक्सटीन, और सोलह में नौ गया तो सात, और यहाँ सोलह, यहाँ भी सिक्सटीन और सोलह प्लस नौ तो पच्चीस, सोलह से सोलह कट गया तो आंसर आएगा सेवन बाय ट्वेंटी फाइव। समझ में आया दोस्तों, एट नंबर बनाए, सात बाय ट्वेंटी फाइव, एट नंबर का सेकंड भी बना के दिखा रहा हूँ। चलिए एट का सेकंड, यहाँ क्या है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर हम लोग यहाँ निकाले थे, एट नंबर फिर बताता हूँ, कोट ए इक्वल टू फोर बाय थ्री, तो वो बनाने का ढेरी मेथड है दोस्तों, त्रिकोणमिति एक दूसरे से जुड़ा हुआ, आप कैसा मेथड लगा लें वो इम्पोर्टेंट, आप पे बेटर करता है। तो कोट थ्री बराबर होता है बी बाई एच, बी बाई पी, तो b इक्वल टू फोर और p इक्वल टू थ्री और h इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट अंडर चलाएंगे तो आ जाएगा पाँच। तो यहाँ निकालना कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाय, लिख देता हूँ पहले कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर को तो हो जाता है b स्क्वायर बाय एच, h स्क्वायर, तो b कितना है फोर का स्क्वायर सोलह बाय एच स्क्वायर मतलब पच्चीस माइनस p स्क्वायर का जगह तो नाइन बाय एच पच्चीस, तो हम लोग का हो जाएगा पच्चीस एलसीएम, सोलह में नौ कटाएंगे तो सात, सात बटा पच्चीस इसका भी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, उसे एक त्रिभुज एबीसी में, क्या नंबर, नाइन नंबर बता रहा हूँ, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए बराबर वन बाय रूट थ्री, तो निम्न का मान, इसका मान, इसका मान निकालना। चलिए दोस्तों ये बना रहा हूँ, तो क्या नंबर है, नाइन नंबर, टेन ए वन बाय रूट थ्री, तो टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो पी बराबर वन और बी बराबर रूट थ्री, तो एच बराबर क्या होगा
रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और वन का स्क्वायर भी वन, इसलिए एच बराबर थ्री रूट हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर देखेंगे तब ना, एच बराबर थ्री प्लस वन फोर, इसलिए हो जाएगा फोर का वर्गमूल टू। तो हम लोग निकाल दिए। अब निकलना साइन ए कोस सी, नाइन नंबर का ही अंदर में सवाल है सब दोस्तों। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए, साइन ए निकालना है और कोस सी, दोस्तों ये बनाना पड़ेगा क्या चित्र, नहीं तो नहीं बनने वाला है। ए और बी समकोण है और यहाँ सी है ना, तो यहाँ टेन ए दिया हुआ था, इसके लिए ए के लिए पी हो जाएगा यहाँ, तो पी बराबर वन ये होगा और ये रूट थ्री होगा और एच हम लोग निकाले जो दो ये होगा, क्योंकि ए के लिए दिया हुआ है। अब लिखिए साइन ए, साइन ए बराबर पी बाई एच, तो इसके लिए पी ये होगा एच ये होगा, तो वन बाई टू। कोस सी, कोस सी इसके लिए कोस सी बराबर बी बाई एच, इसके लिए बी ये होगा और एच वन बाई यहाँ भी टू। उसके बाद कोस ए, कोस ए इसके लिए बी बाई एच, ए बटा ये, तो रूट थ्री बाई टू। और साइन सी, साइन सी इसके लिए पी बाई एच, तो पी ये होगा रूट थ्री बाई टू, तो हो जाएगा वन ऊपर में वन और टू टू जा फोर, टू टू जा फोर और रूट थ्री गुना रूट थ्री थ्री, तो एलसीएम होगा फोर और थ्री प्लस वन फोर, तो फोर से फोर कट गया, आंसर आया वन। समझ में आया हो दोस्तों। इसी का भी सेकंड नंबर यहाँ बना रहे हैं, कौन सा है फिर यहाँ है सेकंड नंबर में था कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए इसके लिए कोस ए बराबर बी बाई एच रूट थ्री बाय टू और कोस सी, कोस सी इसके लिए वन बाय टू माइनस साइन ए, साइन ए इसके लिए वन बाय टू और इनटू साइन सी, साइन सी इसके लिए पी बाय एच ये रूट थ्री बाय टू है ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाय टू टू जा फोर माइनस फिर रूट थ्री बाई टू टू जा फोर, दोस्तों के सेम टर्म है, इसका मतलब जीरो आंसर आएगा। तो हम लोग कितना बना दिए, नाइन नंबर बना दिए, अब बनाएंगे टेन। दोस्तों टेन नंबर बता रहा हूँ, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू दस नंबर, यहाँ बोला क्यू समकोण है, तो क्यू यहाँ भरेंगे और पी कहीं पे भर दो, यहाँ भर देते पी क्यू, यहाँ भर देते आर, दिक्कत। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ पच्चीस, पी आर प्लस क्यू आर मतलब यहाँ से यहाँ पूरा पच्चीस दिया, मतलब ऐसे ऐसे पच्चीस दिया हुआ है ना सेंटीमीटर, और पी क्यू, पी क्यू दिया हुआ है पाँच सेंटीमीटर, तो पी साइन पी कोस पी और टेन पी। तो पहले दोस्तों हम लोग कुछ यहाँ मान लेते हैं, ये अगर मानेंगे एक्स है ना, तो ये हो जाएगा कितना पच्चीस माइनस एक्स, मतलब ये अगर जैसे कुछ निकलेगा बीस निकलेगा तो ये बीस में ही घटेगा ना, तो पाँच होगा, ये समझ में आया होगा। इतना यहाँ भी मान सकते थे यस, ये होता पच्चीस माइनस एक्स, दिक्कत। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का प्लस बेस स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लगा देते हैं। पी आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर मतलब पी क्यू पाँच का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मतलब पच्चीस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पाँच का स्क्वायर पच्चीस प्लस ए माइनस बी हल स्क्वायर पच्चीस का स्क्वायर छः सौ पच्चीस माइनस टू ए बी, तो पचास एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोस्तों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ देखो पचास एक्स इस पर माइनस में इधर आएगा तो प्लस पचास एक्स, और ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा छः सौ पचास, छः सौ पचास, तो एक्स इक्वल टू छः सौ पचास बटा पचास ये कट जाएगा, तो तेरह पाँच पैंसठ। दोस्तों हम लोग का एक्स ये माने थे, तो इसका मतलब ये तेरह निकल गया, तो ये पच्चीस में तेरह घटाएंगे तो ये बारह निकल गया। दोस्तों अगर इसको मानते एक्स ना, तो कुछ और आता यहाँ, ये बारह आता,
ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको अगर मानिएगा तो, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ गलत है, किसी को भी मान सकते हैं। अब हम लोग निकाल देते हैं, क्या निकालना, बहुत ईजी है, मेन है आपको फार्मूला कितना आप त्रिकोणमिति का ध्यान रखें। तो है साइन पी बराबर साइन थीटा और पी बाई एच, इसके लिए पी कौन हो जाएगा, पी ये तो 12/13। नेक्स्ट है कोस पी, कोस पी तो कोस पी इसके लिए बी बाई एच, तो बी बाई एच 5/13। और भी निकालना क्या, टेन पी भी निकालना, तो टेन पी पी बाई बी, तो इसके लिए पी 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 के लिए पी ये होगा 12/5, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब आया क्या, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। टेन थीटा, अब देखिए दोस्तों यहाँ आया, इसमें मैं सारा क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता देता हूँ, लेकिन मैक्सिमम यहाँ जाके ना, मैक्सिमम टीचर भी जाके यहाँ नागरा करता है ना, ये मैं सारा आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब बचपन में पढ़ता था, मैं मुझे खुद ये कोई समझा नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इसको स्टडी किया हूँ बहुत अच्छे से और मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहला लिखा हुआ टेन ए का मान सदैव एक से कम, पहले हम तो क्या दोस्तों कुछ समझा रहे हैं आपको, देखिए ये अगर हम लोग को चार है ना, ये तीन है तो ये पाँच होगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जो है ना हमेशा इससे या इससे बड़ा होगा, इससे या इससे बड़ा होगा, लेकिन ये चार है ये तीन है, लेकिन यहाँ भी तो तीन या यहाँ भी तो चार हो सकता था ना, ये उल्ट इंटरचेंज हो सकता है, इससे ये बड़ा हो सकता है, इससे ये बड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ये दोनों से बड़ा होगा, दिक्कत। चलिए अब देखते हैं, टेन ए का मान सदैव वन से कम होता है, सदैव वन से कम होता है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग को यहाँ अगर ये 3/4 भी हो सकता है या 4/3 भी हो सकता है, जब 3/4 है तो 0 point something होगा, जब 4/3 होगा तो 0 से ज़्यादा 1 point something होगा, तो यहाँ बोला सदैव 1 से कम नहीं है ना, कभी कभी 1 से ज़्यादा भी हो रहा है, यहाँ 1 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पहला असत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए, जैसे कोण ए यही मान लेता हूँ ए, सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, तो सत्य है, क्योंकि हम लोग सेक थीटा बराबर होता है क्या एच बाय h/b, तो हमेशा h जो है b से बड़ा होगा, देखते यहाँ भी h है ना, तो ये सत्य है ना, h क्योंकि 12 से बड़ा होगा। उसके बाद कोण कोस ए को कोण ए के कोसेकेन के लिए प्रयुक्त की संक्षिप्त रूप है दोस्तों, है ना, यहाँ बोलता है कोसेकेंट, कोसेकेन का दोस्तों क्या है कोसेक है ना, कोस नहीं है, साइन कोसाइन का कोस है, ये कोसेकेंड, इसका फुल फॉर्म जो है ना साइन का SINE होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट कोटेंजेंट, ये कोसेकेंड का है, सेकेंड कोसेकेंड का है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये इसका इसका कोसाइन होता है, कोसेकेंड नहीं, कोसेकेंड का COSEC यहाँ तक होता है इसका। कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, नहीं ये एंगल है, नोट ए गुणनफल, मतलब यहाँ ए कोट और ए को गुना करेंगे तो ए कोट ए आएगा, तो एंगल है तो एंगल कोट के अंदर में रहना चाहिए, ये भी फॉल्स है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर ऊपर बड़ा कैसे पी बाई एच होता है ना, तो नीचे बड़ा होना चाहिए, मैं यहाँ बताया कि हमेशा एच जो है बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत है ना, तो ये भी असत्य हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास वन से मैंने शुरू में ही बताया था NCERT का सारा मैथ बनाए हैं, क्लास 1 से 10 तक बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम को तक कर दिए हैं,